हेलो एवरीवन, मैं हूं देव और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देव MTR में। तो दोस्तों, ये है हीरो की डेस्टिनी 125 LX BS6 2020 मॉडल। तो दोस्तों, LX वेरिएंट में आपको जो है क्या क्या न्यू फीचर्स मिलते हैं, माइलेज कितना देती है, ऑन रोड प्राइस कितना है। तो सबसे पहले हम इसका जो है 360 व्यू दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, कलर की बात करूँ तो ये आपको जो है 6 कलर में अवेलेबल होती है। ये आपको जो है बेस मॉडल है LX मॉडल, इसमें आपको जो है सारे फीचर्स क्या क्या मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना ज़्यादा जानकारी के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ प्रेस कर देना बेल आइकन को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें इसके फ्रंट प्रोफाइल से, तो फ्रंट में आपको ज़्यादा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। बाइजर पर आपको ब्लैक कलर की विंड स्क्रीन मिल जाती है, हीरो का 3D में लोगो मिल जाता है। व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो। नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प मिल जाती है, यहाँ पे आपको नेम प्लेट का ऑप्शन मिल जाता है। लॉन्गेट टाइप के नॉर्मल बल्ब वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको DRLs लाइट भी मिल जाती हैं, इंडिकेटर के साइड में दी गई हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। इसके अपेरेंट पे आपको जो है क्रोम का ऑप्शन नहीं मिलता है। LX वेरिएंट में आपको जो है सिल्वर फिनिश मिलती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। IBS का लोगो मिल जाता है, इसके साथ ही यहाँ पे आपको जो है प्रोग्रामेड FI फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा माइलेज देता है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको I3S टेक्नोलॉजी दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें I3S टेक्नोलॉजी सिस्टम दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 155 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। इसके पैनल पे भी आप देख सकते हो सिल्वर फिनिश आपको यहाँ पर दी गई है LX वेरिएंट में। यहाँ पर नीचे की साइड में भी एक अच्छी सी डिज़ाइन दी गई है। डेस्टिनी 125 की बैचिंग मिल जाती है सिल्वर फिनिश के साथ। पीछे की साइड भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको टेल लाइट कुछ उभरी हुई नज़र आती है। इसके साथ ही इसकी जो टेल लाइट है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। नॉर्मल बल्ब मिलते हैं इसमें, आपको जो LED लाइट नहीं मिलती। हीरो का 3 यहाँ पे भी आपको जो है लोगो मिल जाता है। एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग मिल जाती है 5 लीटर की कैपेसिटी के साथ। यहाँ पर आपको जो है सिल्वर फिनिश में आपको ग्रैब रेल मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी मानी जाती है। और इसके साथ ही यहाँ भी आपको जो है बैचिंग मिल जाती है डेस्टिनी की। इसके साथ ही सीट की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी सीट की जो कुशनिंग है जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक इसका जो प्रोवाइड करती है सीट के हिसाब से भी। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल फुट रेस्ट मिल जाते हैं। इसके लेग स्पेस एरिया की तो एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको लेग स्पेस एरिया मिल जाता है। बहुत सारा सामान आप यहाँ पे नीचे की साइड में रख के कैरी कर सकते हो। इसके साथ ही 2 हुक भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, एक सीट के नीचे भी आपको जो है हुक मिल जाता है, यहाँ पे आप सामान कैरी कर सकते हो। इसके नीचे भी आपको जो है सामान कैरी करने के लिए हुक दिया गया है दोनों साइड में, आप यहाँ पे देख सकते हो। बात करते हैं इसके मीटर कंसोल की, तो सबसे पहले आप इसके मीटर को देख सकते हो, ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसकी चाबी को ऑन कर देता हूं। ऑन करने के बाद I3S की इंडिकेशन लाइट यहां पे आपको ब्लू कलर में जलती हुई मिल जाती है। यहां पे आपको लो बीम हाई बीम इंडिकेशन लाइट, यहां पे आपको इंजन की माल फंक्शन लाइट मिल जाती है। अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये ब्लिंक करने लगती है। इसके साथ ही यहां पे आपको जो है स्टैंड की इंडिकेशन लाइट मिल जाती है, लेफ्ट एंड राइट एंड इंडिकेशन लाइट। यहाँ पे आपको एनालॉग टाइप का मीटर मिल जाता है। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल जाती है। तो हीरो का लोगो भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको सेपरेट डिजिटल मीटर मिल जाता है। फ्यूल की इंडिकेशन लाइट भी मिल जाती है। ट्रिप और किलोमीटर आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो बटन के थ्रू। यहाँ पर आपको जो है I3S का स्विच भी मिल जाता है ब्लू कलर की शेप में। यहाँ पे आपको जो है इलेक्ट्रिक स्टार्ट का स्विच यहाँ पे दे रखा है राइट हैंड की साइड में। इसके साथ ही यहाँ पे आपको जो है एक ही बटन में आपको जो है स्विच दे रखा है, लो बीम हाई बीम प्लस पासिंग का स्विच एक ही बटन में आपको मिल जाता है। इसके साथ ही आपको जो है इंडिकेटर का स्विच दिया गया है, यहाँ पर आपको हॉर्न का स्विच दिया गया है। के की इंसर्ट पॉइंट को लेकर, तो इसकी मेन की से ही आप इसके बूट स्पेस सीट के नीचे वाला जो एरिया होता है और इसके फ्यूल कैप को डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। फ्यूल कैप को ओपन करने के लिए डायरेक्टली आपको प्रेस करके राइट की तरफ रोटेट करना है, और जैसा कि आप देख सकते हो इसका जो फ्यूल कैप है वो ओपन हो चुका है। और इसके साथ ही नॉर्मली आपको जो है लेफ़्ट की तरफ अगर आप रोटेट करते हो तो इसकी जो बूट स्पेस जो सीट होती है नीचे वाला जो एरिया होता है वो डायरेक्टली ओपन हो जाता है। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको जो है बूट स्पेस एरिया मिल जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको जो है चार्जिंग का सॉकेट यहाँ पे आपको जो है नहीं मिलता है, अलग से आपको जो है इसमें लगवाना पड़ेगा। यहाँ भी आपको जो है LED लाइट का ऑप्शन नहीं मिलता है, अलग से आपको जो है ये चीज़ें लगवानी पड़ेंगी, क्योंकि ये बेस मॉडल LX मॉडल है डेस्टिनी का।
5 लीटर का इसमें आपको जो एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग मिल जाती है, 5 लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल फिल करा सकते हो। चलते हैं इसके नीचे की साइड में, तो आप देख सकते हो इसके एग्जॉस्ट पे आपको जो है कैटलिटिक कन्वर्टर मिल जाता है, एक सिल्वर फिनिश में प्लेट भी मिल जाती है। ब्लैक फिनिश में इसका जो साइलेंसर है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो वो साइलेंसर है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आप देख सकते हो यहाँ पर इंजन ऑयल का गेज दे रखा है। बात करें इसके टायर के साइज की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें आपको जो है एलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं, नॉर्मल रिम मिल जाती हैं, इसमें आपको स्टील वाली रिम मिलती हैं, TVS कंपनी के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो 1910 इंचेस के व्हील्स मिल जाते हैं, फिर ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। इसमें आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, सेल्फ और किक स्टार्ट का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इंजन और पावर की, तो इसमें आपको 124.6 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर का इंजन मिलता है। इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो है 9.1 PS एट 7000 RPM पे। इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो है 10.4 न्यूटन मीटर एट 5500 RPM पे। फ्यूल कैपेसिटी की बात करूँ तो 5 लीटर इसमें आपको फ्यूल कैपेसिटी मिल जाती है। माइलेज की बात करूँ तो 55 से 65 का आपको इसमें जो है माइलेज मिल जाता है। 10% इसका जो एक्सीलरेशन ज़्यादा मिलता है, BS6 आने के बाद इसमें आपको जो है 10% ज़्यादा माइलेज भी मिल जाएगा अगर आप इकोनॉमी जोन में चलाते हो। तो बात करूँ दोस्तों इसके ऑन रोड प्राइस मथुरा UP की, अगर आप इसको LX वेरियंट में लेते हो तो ये आपको 77,567 रुपीज़ की ऑन रोड मिल जाएगी। अगर आप इसको BX वेरिएंट में लेते हो तो ये आपको 81,316 रुपीज़ की ऑन रोड प्राइस मथुरा UP का मैंने आपको बताया है। ये शोरूम है दोस्तों हीरो का फ्रेंड्स ऑटोमोबाइल्स राया मथुरा में। अगर आप यहाँ पे नियरेस्ट रहते हो तो आप यहाँ पे विजिट करके परचेज कर सकते हो, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगा। शोरूम का नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप डायरेक्टली इनको कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों अदर स्टेट वाले बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप मेरे को कमेंट करके अपनी सिटी के हिसाब से ऑन रोड प्राइस और हीरो डेस्टिनी का पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर आपको ये वीडियो में कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।